हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल हाइपर ट्रेड एसबी। मैं हूं मोहम्मद सोहेल। अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अपने पिछले बजाज फाइनेंस के वीडियो में मैं आपको बताया था स्टॉक रेडी टू फॉल है। अब जब मैं बताया स्टॉक फॉल हो गया, उसके बाद उस प्रीवियस वीडियो में आप जाके देखो ये वीडियो, आपको प्रूफ भी मिलेगा जो मैं एनालिसिस किया हूँ। मैं बताया था कि स्टॉक फॉल करेगा, प्रीवियस ब्रेकडाउन लेवल से सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके फिर यहाँ प्रीवियस ब्रेकडाउन लेवल से रिजेक्ट करेगा। अगर ऊपर कहीं पर भी स्टॉक जाता है तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। जितना प्रॉफिट बुकिंग करना है हम लोगों को, इन बिटवीन हमारे 6750 से लेके 7203 के अंदर ही हम लोगों को निकल जाना है, ये बताया। अभी स्टॉक यहाँ आने के बाद 200 EMA का सपोर्ट यहाँ पे लेने के बाद स्टॉक एक क्लब कर रहा है, बॉटम फिशिंग के बाद क्लब करके स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आज के वीडियो में, एंड मैं अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैनल में भी बता दूंगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो अभी के लिए स्टॉक के अंदर यहाँ पे एक ब्रेकडाउन लेवल है, ठीक है, 7183। अभी स्टॉक कहाँ पे चल रहा है, 7210 के चल रहा है। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो। तो फ्रेश बाइंग के लिए लेवल क्या होगा, फ्रेश बाइंग के लिए लेवल होगा मेरे हिसाब से 7210 रहेगा। अगर हम लोग इसके अंदर एवरेज मेंटेन करना चाहते हैं तो एवरेज क्वेश्चन मार्क रहेगा। अगर हम लोग टारगेट लगाना चाहते हैं तो टारगेट अपने प्रीवियस ब्रेकडाउन लेवल यहाँ, एंड उसका रीसेंट ब्रेकडाउन लेवल भी यह है, फाइनल ब्रेकडाउन लेवल यह है। अगर स्टॉक 7183 का लेवल ब्रेक कर रहा है दोस्तों, ट्रेलिंग लगा के आप निकल जाओ, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। अगर आप टारगेट लगाना चाहते हो तो टारगेट मैं जो दे रहा हूँ 7320 एंड 7470, ये मेरे रहेंगे टारगेट, ठीक है। प्रॉमिस किया था मैं वीडियो अपलोड करूंगा, और जैसे प्रॉमिस किया मैं वीडियो अपलोड किया। ऑलरेडी जो बाइंग पे हैं दोस्तों, आप लोगों को भी होल्ड करवाया था, समझ गए आप, ठीक है। ये लेवल ब्रेक हुआ तो ही फॉल होगा, वरना नहीं होगा। ये वीडियो में अपलोडेड है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। एंड स्टॉक के अंदर हो सका तो इन कैंडल्स का यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है, जानबूझ के थोड़ा बहुत नीचे ट्रेड करने की कोशिश करेगा, फिर बाउंस बैक करेगा। अभी यहाँ पे जो बाउंस बैक करेगा इसके अंदर हमें हमारे लेवल्स मिलेंगे। तो आप क्या करो, एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर लो, जो प्रीवियस ब्रेकआउट है, दूसरा लेवल यहाँ पे ड्रा कर लो 7231, एंड यहाँ पे पॉइंट आउट करके बैठ जाओ। अभी RSI कंप्लीट यहाँ पे अप्रिसिएट हो रहा है, जो डिप्रिसिएट हुआ था वो अप्रिसिएट हो रहा है। जब कौन सा भी कैंडल अप्रिसिएट होता है, RSI अप्रिसिएट होता है, तो अपने प्रीवियस हाई लेवल ब्रेकडाउन तक जाता है दोस्तों। तो यही था मेरा अपडेट बजाज फाइनेंस पे। अगर आपको स्टॉक पे एनालिसिस समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।